हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक, जिसमें कि हम लोग क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का क्लोज पैकिंग का पॉइंट्स पढ़ चुके थे, नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन पढ़ चुके थे। अब आज के टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पहले कम्प्लीटली देखें। अक्सर बच्चे बिना क्वेश्चन पूरा वीडियो देखे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है। पूरा वीडियो देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें आपका डाटा खर्च होता है, लेकिन वीडियो को देखने से क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन द गिवन यूनिट सेल पे बेस्ड है। कैसे आप किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करेंगे, इस पे बेस्ड है पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले बताऊं, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक यूनिट सेल है वो बीसीसी है, उसका नंबर ऑफ एटम बता दीजिए। तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर मेरा देख करके उसको समझ सकते हैं। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो टोटली नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने किसी यूनिट सेल में, किसी यूनिट सेल का से बनने वाले कंपाउंड का सिंपल फार्मूला पता करने, इस सब पे बेस्ड है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इससे जानने के लिए का बेसिक कुछ है उसी को जाना चाहिए हम। तो बेसिक क्या है आइए देखते हैं। जो इसका बेसिक पॉइंट है वो है कि मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल से चार पांच तरीके के पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब तक आप इन पॉइंट्स को नहीं समझेंगे न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाएंगे। आज का पूरा टॉपिक न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट पे है। ये एटम्स आपको पता है कि ये कॉर्नर वाले होते हैं, ठीक है, ये कॉर्नर है। किसी भी जनरली क्यूबिक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं भैया, 8 होते हैं। इसका कितने का कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर वाले एटम का, सबको पता है 1/8 का होता है। अगर जिसको ये चीजें ना समझ में आ रही हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाकर के पूरा डायग्राम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, उसको देख लेते हैं आप। तो कॉर्नर 8 का है तो 8 × 1/8 दैट इज 1 का कंट्रीब्यूशन टोटल। फेस की बात करें, ये फेस हो गए 6 फेसेस। किसी भी यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं, फेस होते हैं 6। सपोज दैट फेस क्या है, ये वॉल एक फेस है, तो इस फेस पे अगर देखा जाए तो जो एटम होगा वो हाफ इस वाले यूनिट सेल में होगा, हाफ उस वाले यूनिट सेल में, उस वाले रूम में होगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 6 × 1/2 दैट इज कितना हो गया, 3, ठीक है। मतलब ये जनरल ऑब्जर्वेशन में जाना चाहिए। अगर मैं यही बॉडी सेंटर की बात करूं, कोई एटम मैं कहता हूं कि एक एटम है जो बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या, वो एटम हैंगिंग पोजीशन में है, वो ना तो किसी फेस को टच कर रहा है, ना तो किसी एज को टच कर रहा है, ना तो किसी कॉर्नर को टच कर रहा है। तो जो बॉडी सेंटर्ड होता है वो 1 का कंट्रीब्यूशन, फेस वाला का कंट्रीब्यूशन 1/2 का, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 का। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, लेकिन कब, जब क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, क्लियर है। अगर 1/2 का कब, जब फेस होगा। बॉडी का होगा तो कितना हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड होगा तो कितना होगा, 1 होगा। कोई प्रॉब्लम, चलिए उसके बाद कुछ क्वेश्चन अलग से आते हैं जिनके बारे में हमको जानना है। कॉर्नर याद रहेगा, फेस याद रहेगा, बॉडी याद रहेगा। अच्छा चलिए, किसी क्यूबिक यूनिट सेल में अगर देखा जाए तो कितने कॉर्नर कितने होते हैं, अगर कॉर्नर कहें तो 8 होता है, फेस कहा जाए तो फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर मैं एज कहूं, एज का मतलब होता है किनारा। अगर आप किसी कमरे में किनारे देखिए तो टोटल किनारे आपको 12 दिखाई देंगे, 12। तो एजेस जो होते हैं, एजेस 12 होते हैं। एज कितने होते हैं, 12, कितने होते हैं, 12। अच्छा, एज वाले का कंट्रीब्यूशन, किसी भी कमरे का जो कॉर्नर होता है वो 4 रूम को कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो जो एज वाले का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 का होता है। इस तरीके से हमने देखा कि जो एज का कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 का है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 1/8 का है, फेस का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 1/2 का है, बॉडी का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो कितना है, 1 का है। तो ये दिमाग में आपको दिमाग में लाना, जैसे बोलूंगी क्यूबिक यूनिट सेल में एटम एच पे है तो हम बोलिए सर 1/4 का कंट्रीब्यूशन है, मतलब एटम का पूरा। यहां पे देखिए, सॉलिड स्टेट में एटम को स्फीयर माना गया, सो हार्ड स्फीयर माना गया, तो हार्ड स्फीयर को 1/4 कंट्रीब्यूशन एस के फॉर्म में, कॉर्नर में 1/8 का, फेस का 1/2 का, और बॉडी का 1 का कंट्रीब्यूशन करता है, क्लियर। आइए अब इस पे दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आइए टर्म आता है, दो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
उसको जरा सा समझ लीजिए, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल से लगाऊंगा तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये है, ये एटम है, ठीक है। अब इस एटम की बात करते हैं, तो एटम ये कॉर्नर पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहां पे दो टर्म है, एक है फेस डायगोनल और एक होता है बॉडी डायगोनल। किसी कमरे में कुल कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाया जाए तो कुल कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं? मुझे लगता है कि 8 कॉर्नर है, अगर उन दोनों को सबको मिलाया जाए आपस में तो कुल मिला के 4 पॉइंट जो होंगे वो बॉडी सेंटर से होके जाएंगे। तो बॉडी डायगोनल कितने होंगे? बॉडी डायगोनल अकॉर्डिंग टू 8 कॉर्नर 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। मतलब जैसे सपोज दैट ये रूम है, तो उस रूम के उस कॉर्नर से इस कॉर्नर नीचे, फिर इस कॉर्नर से इस नीचे, फिर इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर पे, और फिर उस ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर पे, तो कुल कितना हुआ? अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसे निकल के आएगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन हुआ। ये तो 2D का डायग्राम बना। अगर इसी कंट्रीब्यूशन को देखेंगे तो ऐसे 2 कंट्रीब्यूशन उधर से भी होगा, इस कॉर्नर से इधर, इस कॉर्नर से इधर, तो कुल मिलाकर के कितने का कंट्रीब्यूशन होगा? जो अगर मैं देखूं तो कितने बॉडी डायगोनल होंगे? तो बॉडी डायगोनल निकल के आते हैं, बॉडी डायगोनल ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और फिर ये देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, तो कुल कितने होंगे? तो बॉडी डायगोनल, अगर बॉडी डायगोनल की बात की जाए तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्लियर है? अब बॉडी वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है एटम का? 1। अच्छा, फेस डायगोनल, एक किसी भी क्यूब में कितने फेस होते हैं? 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, 6 फेस। तो 6 फेस पे अगर देखा जाए तो कितने डायगोनल आप ड्रा कर सकते हैं? 1 फेस पे 2 डायगोनल ड्रा कर सकते हैं, एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, एक उस कॉर्नर से इस कॉर्नर। तो इस तरीके से 6 फेस पे कितना होगा? 12। तो ये हो गया फेस वाला, ये देखिए, ये डायगोनल। तो ये जो फेस डायगोनल है, टोटल फेस डायगोनल कितने होंगे? फेस डायगोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर पे फेस डायगोनल कितने होते हैं? 12। और बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4। क्लियर? तो ये भी यहां पे कंक्लूड कर लेते हैं कि भैया फेस डायगोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 12 होते हैं और बॉडी डायगोनल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आपको यहां तक कांसेप्ट क्लियर होगा, ये न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए, फिर आगे के टॉपिक देखते हैं। देखिए, अब आप फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल एज कॉर्नर, फेस, बॉडी, ये सब जान चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसको न्यूमेरिकल कराने चल रहा हूं आपको, जो बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन ये है, अच्छा आप ये जानते हैं कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जो होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करता है ना? क्लियर? जानते नहीं आता, ये देखते कैसे, ये देखिए, ये एक यूनिट सर आपसे क्वेश्चन कह दिया कि एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, सीसीपी अरेंजमेंट का एटम है, यूनिट सर है, और इसमें एटम जो कॉर्नर वाले हैं, ये कॉर्नर एटम, इसको कह दिया ए, ठीक है। एक एक कंडीशन बताते चल रहा हूं, सारी कंडीशन नोट करते चलिए और समझते चलिए। तो ये कॉर्नर पे एटम ए है और फेस पे जो एटम है वो कितने हैं? ये बी। तो आपसे क्वेश्चन का नंबर आप एटम का कहेंगे, सर एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो सर एफसीसी स्ट्रक्चर में सर आपने बताया था नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कराए थे, सर 3 होते हैं, 3 और 1 4, तो 4 हो जाएंगे सर नंबर ऑफ। हमें नंबर ऑफ एटम नहीं जानना, हमें जानना है कि इस यूनिट सर का जनरल फार्मूला क्या है। तो जब भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो आप पहले नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ए, तो नंबर ऑफ एटम ए कितना हो जाएगा भैया? कितना हो जाएगा? कॉर्नर कितने हैं? 8। और उनका कंट्रीब्यूशन कितने का है? कॉर्नर वाले का 1/8 का, दैट इज 1, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एटम बी कितना हो जाएगा? फेस है, ये फेस कितने हैं? 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस आएंगे, तो 6 × 1/2 दैट इज 3। तो ए रेशियो बी कितना आया? 1:3। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? ए बी 3। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए, तो भैया 3 ये है और 1 ये है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 3 और 1 4 हो गए। फॉर्मूला क्या होगा? तो ए बी 3 होगा।
क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? बोलिए भाई। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं, मैं ये भी मान रहा हूं उसका पेपर में आपसे पी क्यू मान ले, एक्स वाई मान ले, कुछ भी मान सकता है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीसीपी या सीसी स्ट्रक्चर है, इसमें एटम्स जो है वो जो एक कॉर्नर पे है, इसको मान लेते हैं कि आपकी एक्स है, ठीक, और दो कॉर्नर पे ये मिसिंग है, एक्स दो कॉर्नर पे क्या है, मिसिंग। चलिए भाई मिसिंग कर दी, गायब कर दी साहब को, तो दो कॉर्नर पे एक्स गायब है और ये बी जो है ये वाई है, कोई प्रॉब्लम किसी को? क्वेश्चन समझ में आया? एफसीसी अरेंजमेंट है, दो कॉर्नर पे एटम मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, और बाकी वाई है, तो नंबर ऑफ एटम एक्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम एक्स कितना हो जाएगा, कितने कॉर्नर बचा, आठ कॉर्नर होते हैं, दो गायब है, तो बचा कितना, छह, सिक्स इंटू वन बाई एट, दैट इज सिक्स बाई एट, दैट इज सिक्स बाई एट को क्या लिख सकते हैं आप, जल्दी बताइए, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, दैट इज थ्री बाई फोर, तो एक्स कितना हो गया थ्री बाई फोर, और नंबर ऑफ एटम वाई कितना हो जाएगा, बहुत आसान सा है, सिक्स इंटू वन बाई टू दैट इज थ्री, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए व्हाट इज द रेशियो, एक्स इज टू वाई का रेशियो कितना है, ये हो गया थ्री बाई फोर और इसका कितना हो गया थ्री, ये तो टोटल नंबर ऑफ एटम होगा दोनों को जोड़ दे, कोई दिक्कत, लेकिन आपसे फार्मूला पूछा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स थ्री बाई फोर और ये थ्री, अभी तो सिंपलेस्ट रेशियो तो बना नहीं, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा, इसको आप ऐसे भी सकते हैं, एक्स थ्री फोर थ्री जा ट्वेल्व, इसको और सिंप्लीफाई करिए, चाहे ऐसा आंसर दिया होगा चाहे ये आंसर दिया होगा, लेकिन सही आंसर क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करिए एक्स थ्री वाई ट्वेल्व को, तो क्या हो जाएगा, इसी को सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा एक्स वाई फोर, व्हाट इज द आंसर, एक्स वाई फोर, तो दो पे मिसिंग थे तो इसलिए देखिए सिक्स से किया तो दो मिसिंग हो गए तो सिक्स हो गया, बाकी तो थ्री का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स थ्री वाई ट्वेल्व आएगा एक्स वाई फोर, नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपके सामने है कि ये एटम कॉर्नर पे है, कह रहा कि एटम्स जो कॉर्नर पे है केवल चार कॉर्नर पे है, कितने कॉर्नर पे है भैया, चार कॉर्नर पे, और कॉर्नर वाले एटम का नाम है भैया एक्स, क्लियर, एटम जो फेसेस पे है वो कितने हैं उसको मान लेते हैं, वो उसने कह दिया कि भैया एक अरेंजमेंट है सीसीपी अरेंजमेंट है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है, और कॉर्नर पे केवल चार है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब तक आप क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम नहीं बनाएंगे आंसर नहीं आएगा, कभी नहीं आंसर कर पाएंगे, आंसर लाने के लिए आपको डायग्राम बनाना जरूर पड़ेगा, डायग्राम जरूर बनाइए। फिर ये दो अपोजिट फेसेस पे हैं और कहते हैं एक बॉडी सेंटर्ड है, किसी को प्रॉब्लम, बोलिए नहीं, तो इसको एक्स कर दिया, फेस वाले को कह दिया वाई है और बॉडी वाले को कह दिया जेड, तो पूछ लिया व्हाट इज द फार्मूला, तो जरा बताइए नंबर ऑफ एक्स कितना हो गया भैया, एक्स कितना, वन टू थ्री फोर, तो फोर इंटू वन बाई एट दैट इज क्या आया वन बाई टू, नंबर ऑफ वाई कितना हो गया, नंबर ऑफ वाई आपके सामने है टू इंटू वन बाई टू दैट इज वन, नंबर ऑफ जेड कितना हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड है तो जेड कितना हो गया वन हो गया, तो व्हाट इज द रेशियो एक्स वाई जेड दैट इज रेशियो इज वन बाई टू इज टू वन इज टू वन, तो क्या फार्मूला आया x y 2 z 2, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्रॉस में कितना आ जाएगा 1 2 2 मल्टीप्लाई, क्लियर, तो क्या आ गया x y 2 z 2, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, बस समझने की देरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्लियर है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक यूनिट सेल है,
ये यूनिट सेल जो है इसमें एटम्स कॉर्नर पे है। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन क्या रखा है कि इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ए एंड बी एटम्स आर ऑक्युपाइड, ए एटम्स ऑक्युपाई एट द कॉर्नर्स एंड बी एटम्स ऑक्युपाई एट द फेस सेंटर, वन ऑफ द कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल इज रिमेन्स वैकेंट, वन ऑफ द कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल रिमेन्स वैकेंट, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्या रखा है कि एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग है और इसमें से वन ऑफ द कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल रिमेन्स वैकेंट। तो चलिए भाई अरे नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, बोला एक कॉर्नर खाली है तो वो खाली छोड़ दिया, बाकी फेस सेंटर्ड वो रखा था तो फेस सेंटर्ड फेस पे तो रहेगा ही, ये हो गया ठीक है। इस वाले को क्या बोला ए और इस वाले क्या बोला बी, बहुत आसान है। नंबर ऑफ ए कितना हो गया भैया 7 × 1/8 दैट इज 7/8, कोई प्रॉब्लम। चलिए नंबर ऑफ बी कितना हो गया, कितने हैं 6 है तो 6 × 1/2 दैट इज 3, व्हाट इज द रेशियो ए बी, ये हो गया 7/8 और ये कितना हो गया 3, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा ए 7 × 8 = 24, तो ए 7 × 24, देखिए कितना आसान है, आसान है नहीं आसान है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एकदम से तनावमुक्त होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम निश्चिंत रहिए। तो इस पे कांसेप्ट क्लियर हो गया, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल मेड अप ऑफ टू एलिमेंट एक्स और वाई, 2006 बोर्ड में आ रखा है क्वेश्चन, कह रखा है कि एटम वाई आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एक्स आर एट द बॉडी सेंटर, व्हाट इज द फॉर्मूला, ये तो बोझवानी सॉल्व हो जाएगा। एक्स कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे है तो कितना हो गया 8 × 1/8 तो 1 हो गया एक्स, और वाई कह रहा है बॉडी पे है तो बॉडी 1 हो गया तो कितना हो गया एक्स वाई हो गया। ये बोर्ड का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक यूनिट सेल है जो कि अभी मैंने इसको आपको सॉल्व करके दिखाया भी था, आप शायद सॉल्व भी कर लिए हैं। एक दूसरा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं कि एक यूनिट सेल है जो कि दो एटम से मिलकर बनी हुई है, एक यूनिट सेल है जो कि दो टाइप के एटम से मिलकर बनी हुई है, ये पी क्यू से, पी जो है वो कॉर्नर्स पे, पी कहां पे है, पी इज एट द कॉर्नर, और क्यू कह रखा है अल्टरनेट फेसेस पे। अल्टरनेट फेस का मतलब आप जैसे कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा, अल्टरनेट फेस का मतलब होता है भैया टू अपोजिट फेस पे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, दो मिनट सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो अल्टरनेट क्या करेंगे, कहेंगे सब 3:2 होगा, लेकिन अल्टरनेट का मतलब सिर्फ दो फेस पे होगा, तो दो फेस का मतलब किसी दो अपोजिट फेस पे कर दिए। तो भैया जरा बताइए ये वाले को क्यों बोला है, तो बताइए नंबर ऑफ पी कितना हो गया, नंबर ऑफ पी हो गया 8 × 1/8 दैट इज 1, और नंबर ऑफ क्यू कितना हो गया 2 × 1/2 दैट इज 1, क्या हो गया एक यूनिट सेल है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला उसका जो है क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके एटम ए कॉर्नर पे है और बी फेस सेंटर्ड पे है, तो और सी जो है वो बॉडी सेंटर्ड पे है, तब क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, ये समझ आ गया। ए कहां पे है कॉर्नर पे, बी कहां पे है फेस सेंटर्ड हो गया, और ये बी हो गया, और बीच में क्या है ये सी हो गया, जरा बताइए ए हो जाएगा 1, अब देख कैलकुलेट नहीं करोगे वो पता है कॉर्नर्स, बी कितना हो जाएगा भैया, बी कितना हो जाएगा, बी जो है आपके सामने बी फेस वाले हैं तो 6 × 1/2 दैट इज 3, और सी कितना हो जाएगा, सी सिर्फ एक है बॉडी सेंटर तो 1, तो फार्मूला क्या हो गया ए बी 3 सी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप कर ले जाए ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल ठीक।
क्वेश्चन क्या कर रखा था सुनिए, एक यूनिट अरेंजमेंट है, यूनिट का यूनिट सेल का अरेंजमेंट है, और उसमें एटम्स जो है वो क्यूबिक यूनिट सेल है, वो एटम्स कॉर्नर पे है, और ईच बॉडी डायगोनल पे दो दो एटम है। तो बॉडी डायगोनल मैंने पहले बताया कि बॉडी डायगोनल कितने होते हैं भैया, बॉडी डायगोनल होते हैं 4। एक बॉडी डायगोनल पे कितने, 2, तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने, तो कॉर्नर पे हो गए। चलो इस कॉर्नर से मिला तो 4 कॉर्नर मिल गए। अब ये 4 कॉर्नर के लिए क्या जल्दी बताइए, 4 कॉर्नर मिले, अब 4 कॉर्नर का मतलब क्या, 4 कॉर्नर को मिला है तो बॉडी डायगोनल वाले कितने हो गए, 4 होते हैं, और एक बॉडी डायगोनल पे कितने एटम है, 2, तो 4 × 2 दैट इज 8। तो ये हो गया आपका ए, और बी आपके बॉडी डायगोनल वाले थे तो बी के एटम के नंबर कितने आ गए, 8, और ए का कितना हो जाएगा, ए कॉर्नर वाला है तो 8 × 1/8 दैट इज 1, तो क्या हो जाएगा ए बी 8। अच्छा पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, तो कितना बताएंगे आप, यहाँ कितना था 8 और यहाँ कितना था 1, 8 + 1 कितना हो गया 9। तो ये जो आज के क्वेश्चन है बॉडी डायगोनल फेज डायगोनल कॉन्सेप्ट अगर दिए तो क्वेश्चन कर लेंगे, क्या कितना भी घुमा दें आपको, वो अल्टरनेट फेज वाला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेंटर्ड होता है। तो एक तो क्वेश्चन इस पे आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं, सिंपल सा यूनिट सेल देगा, ये यूनिट सेल ये है, इसमें एटम ऐसे अल्टरनेट मिसिंग है, इसमें ये गायब है, उसमें ये गायब है, तो ऐसे क्वेश्चन देगा तो आप क्यों बस दिमाग को ठंडा करिए, जस्ट चिल है, शांत रहिए, डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही इजी सॉल्व होगा, आप करके देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी मैं आपको वीडियो के लेक्चर के लास्ट में एक पूरा कम से कम 10 क्वेश्चन का एक पूरा एक सीरीज देता हूं, करके देखिएगा इजी वे सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं फिर बताऊंगा क्या प्रॉब्लम, ठीक है। कई सारे बच्चों का डाउट था कि इस पे, हाँ अभी मैंने आपको वायर्स नहीं पढ़ाया और हेक्सागोन क्लोजबैक नहीं पढ़ा, एक नंबर ऑफ एटम कैलकुलेशन और कंपाउंड फार्मूला का क्वेश्चन उस टॉपिक पे भी आता है, बोर्ड का पेपर में आया भी हुआ है, तो वो मैं अलग से उसका वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, अलग से एक्सप्लेन करूंगा। तो नंबर ऑफ वायर्स जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वायर बताया था उसके बेसिस पे कैसे नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बेसिस पे नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे कंपाउंड कैसे फॉर्मूला करते हैं, ये मैं अलग से बताऊंगा। आज जो मैंने बताया है सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड के लिए नंबर ऑफ एटम्स, इनके लिए बेसिक पहले नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना बता चुका था, आज मैंने उसके बेसिक कुछ क्वेश्चन कराए हैं, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेक्चर के लास्ट में आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, उनको सॉल्व करिए, सॉल्व करने का जो डाउट आते हैं, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो भी मुझसे क्वेश्चन आप वीडियो लेक्चर कमेंट में लिखिए जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, और अगर आपको नहीं समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो आज का टॉपिक है ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पे थे, जब वायर्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो वायर्स बेस पे भी क्वेश्चन है, तो वायर्स वाला मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा, अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, अलग से क्वेश्चन बताऊंगा जब वायर पूरा क्लियर कर दूंगा तब, लेकिन अभी का जो वीडियो लेक्चर है वो सिर्फ इस पे बेस्ड, ठीक है। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा कि वीडियो लेक्चर में कि कैलके ऐसे कैलकुलेशन नंबर ऑफ एटम करते हैं, इसी पे बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रॉब्लम लेकर के मैं आपके लिए आ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इनसे कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं इनको सॉल्व करके आपको बताऊँगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कुछ सब्जेक्टिव हैं तो इनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी एक्वायर सीसीपी स्ट्रक्चर, इस पे बेस्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन शायद आप ना कर पाएँ, मैं इसके बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो मैंने बताया था कि वायर्स के बेसिस बताऊंगा, वो डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल का है, इसको सॉल्व करिएगा, सबके आंसर दिए हुए हैं, एनसीईआरटी सॉल्व वाला क्वेश्चन कर लेंगे जो सीबीएसई 2015 में आया है, आई होप कि आप उसको ना कर पाएँ क्योंकि मैंने अभी वायर्ड के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए हैं, जब मैं सॉल्व करा दूंगा तो आप वो सारे भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्क्रॉल करके आप रुक करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ईजी गोइंग क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कर लीजिएगा।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इनको सॉल्व करिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।